वो सब कर चुकी मैं, और लंच भी हो चुका था, आपको तो बताया था मैंने आज क्या क्या बनाया मैंने। तो उस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आपको सबको पता है जिन्होंने मुझे फॉलो किया कि मेरे घर की कंडीशन क्या चल रही है। मैं हर वक्त कैमरा लेके घूम नहीं सकती, मुझे जब मैं फ्री होंगी घर पे, मतलब अकेले में मैं शूट कर सकती हूँ, इसके अलावा नहीं कर सकती। मतलब मैं ना सोचती हूँ कि क्यों हमेशा औरतों पे ही इतनी पाबंदी, क्यों क्यों उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है। हर घर में ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे घर मैंने देखा है जहाँ पे औरतों को फुल तरीके, मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता है, उनको उनका हक दिया जाता है, उनको बोला जाता है आप जो चाहो वो करो, ठीक है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे घर पे उनकी घर पे जो फीमेल है, औरतें हैं, वो आगे बढ़े, कुछ करे। क्यों जाने का, चार लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कौन है वो चार लोग जिसकी दुहाई देके हमेशा औरतों को दबाया जाता है? कौन है वो चार लोग? कभी दिखते हैं हमें वो चार लोग जब हमें तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं, हम जब दुखी होते हैं, क्या वो चार लोग आते हैं हमारे घर पे हमारे सहारा बनने, हमें सपोर्ट करने के लिए? जब मुझ पर टॉर्चर किया जाता है या मेरे साथ कुछ ऐसा गलत होता है, तो क्या वो चार लोग आते हैं मुझे खिलाने के लिए या मुझे मेरे आंसू पोंछने के लिए खड़े होते हैं क्या? जब मेरे दुखों में वो शामिल नहीं है, तो मैं मुझे आगे बढ़ने में क्यों रुकावट डाल रहे हैं, क्यों रुकावट कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि नहीं करो, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं सब दुश्मन बन के, हर किसी को मुझसे जेलसी क्यों होती है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? गाइस ये बात बोलने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है कि जोया वीडियो बना रही है, ब्लॉग कर रही है, वो कैमरे में आ रही है, सारी बातें घर की बता रही है, क्यों बता रही है, हमारे मजहब में ये नहीं चलता है, ये सब नहीं करना चाहिए। गाइस क्यों नहीं चलता है? कौन सा मैं बेआबरू होकर बेपर्दा होकर वीडियो बना रही हूँ, आप बताओ, क्या मैं कुछ गलत ऐसा दिखा रही हूँ? आप यूट्यूब पर जाओगे ना तो बहुत सारी नॉनवेज कंटेंट आपको, अडल्ट कंटेंट दिखेंगे, बहुत सारी चीजें दिखेगी। उन सब चीजों के लिए कोई किसी को क्यों नहीं रोकता है? कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्यों रोकते हैं आप लोग? क्यों मुझे ब्रेक लगा रहे हो? क्यों नहीं साथ देते कि चलो ठीक है तुम भी आगे बढ़ो, घर पे रहकर ब्लॉग बनाना, अब क्या बना रही हूँ, कुकिंग का वीडियो डाल देती हूँ, बच्चों के साथ कहाँ घूमने गए वो डाल देती हूँ, मैंने क्या गुनाह किया मुझे बताओ? अच्छा ठीक है मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। जो चार लोग की दुहाई आप लोग दे रहे हो ना कि ये चार लोग क्या कहेंगे, क्या वो लाकर मुझे महीने का खर्चा देगा, देंगे दो मुझे आप 50,000 रुपए, मैं बंद कर दूंगी आज ही वीडियो बनाना, नहीं करूंगी ब्लॉगिंग, छोड़ दूंगी सब कुछ, आप लाकर दो, कमी है मुझे, तकलीफें हैं, पैसे की जरूरत है मुझे, खुद की कमाई चाहिए मुझे, कुछ बनना है, कुछ करना है मेरे बच्चों के लिए। सिर्फ हस्बैंड की कमाई बस इतने काफी है क्या? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कई घरों में देखो आप, औरतों को, लड़कियों को जॉब करने की छूट है, आप पढ़ो कुछ बनो, शादी के बाद भी हस्बैंड सपोर्ट करते, घर वाले सपोर्ट करते, लेकिन मेरे यहाँ पे बिल्कुल अलग, क्यों ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों? मेरे बच्चे जाते मम्मी आप कुछ करो, कुछ बनो, आप अपनी पहचान बनाओ खुद की, ये नहीं कि जो दुनिया में आए आप, मम्मी पापा ने शादी करवा दिया, आप अपने हस्बैंड के साथ जी लिए, जिंदगी खत्म, आप चले गए, आपको आधे लोग पहचानते ही नहीं दुनिया में। आपकी बदौलत हमारी लाइफ भी अच्छी हो सकती है, जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी पहचान होगी ना, तो आपके बच्चों को भी आपकी पहचान से, आपके नाम से पहचाना जाएगा। तो मम्मी हम चाहते आप आगे बढ़ो। कैसे आप मुझे देखो, मेरी जो हालत है ना, मेरी कंडीशन देखो, तबीयत सही नहीं रहता है बहुत, थायराइड की वजह से ना मुझे तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं ना मुझे ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा मैं वॉक करना, कुछ करना नहीं होता है मुझसे, और ज़्यादातर टाइम में मुझे चक्कर आता रहता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आता है मुझे, तो मैं ना ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती हूँ, और बाहर नहीं जाने की बहुत सारी वजह है, मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि कोई भी छोटी छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ ना तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे जानते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से प्रॉब्लम है ना, मत देखो मेरी वीडियो प्लीज़। मैं उनसे बोल रही हूँ जिनको तकलीफें हो रही है, जो मेरे पीछे बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी वीडियो को मत देखो और मत बातें बनाओ, मुझे आप लोगों से सत नफरत है। सिर्फ उन लोगों को मैं बोलूँगी जो आप मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, आप लोग प्लीज़ देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे इन लोगों से जो मुझसे जलते हैं ना, मुझे उनको दिखाना है कुछ करके कि हाँ एक औरत कुछ कर सकती, घर बैठे भी कर सकती है, बेआबरू ना होते हुए, बेपर्दा ना होते हुए भी वो कर सकती है। तो यही मुझे आप सबसे बात करनी थी, मैं भी आती हूँ, मिलती हूँ। बोलना चाहती हूँ कि जब अगर आपको मेरी वीडियो बनाने से तकलीफ है, परेशानियां हो रही है आपको,
तो प्लीज मेरी वीडियो को मत देखिए, मेहरबानी कीजिए मुझ पर, ठीक है। और अगर इतनी तकलीफें हो रही है ना, तो लाओ महीने का खर्चा मुझे लाकर दो मेरे हाथों पे 50,000 रुपए, फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। मैं चैलेंज करती हूँ आप लोगों से, लाओ मेरे हाथों पे पैसे रखो महीने का 50,000, मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाऊंगी। या तो फिर आप अपना बात करना बंद करो और मेरे पे ना उंगली उठाना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। मैं किसी को नहीं पहचानती, अपनी जिंदगी मुझे संवारनी है, बनानी है, और ये मैं खुलेआम आप सबसे बोल रही हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, ठीक है। आप जलते रहो, भोगते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीऊंगी, क्योंकि बहुत जी लिया दूसरों के इशारों में। कोई बोलता है सांस मत लो, कोई बोलता है बाहर, बचपन से बस एक ही चीज, यहां ना मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ज्यादा मत पढ़ो, जल्दी शादी करवा दी गई, हस्बैंड के ताने, ये मत करो, वो मत करो, इनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो, ये मत करो, वो मत, क्यों? कठपुतली हूं क्या? कठपुतली हूं क्या कि आपकी हथेली में, आपके इशारों में जिंदगी भर चलती रहूं क्या? मेरे कोई अरमान नहीं है, मेरी जिंदगी नहीं है, मैं इंसान नहीं हूं, क्यों? दुख होता है, मेरे बच्चे बोलते हैं ना मामा क्यों, गुलामी की जिंदगी छोड़ो। आज भारत देश में हर एक इंसान आजाद है, हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। बंदी से आती है ना तो लड़ो, लड़ने से जीतोगे आप। तो मैं लड़ूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं। गाइस, मुझे फर्क पड़ता है आप लोग क्या सोचते हो, क्या अपनी इस बहन को सपोर्ट करोगे आप सब। मैं अपनी उन बहनों से कहना चाहती हूँ जो घर बैठे मेरी तरह आप भी घुटते होंगे ना, कई सारी औरतें हैं, कई सारी सारे जो भाई लोग हैं मेरे, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग इस बहन को सपोर्ट करोगे? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं इनको जवाब दे सकती हूँ कि हाँ, दुनिया में आप सब दुश्मन हो सकते हो, पूरी दुनिया दुश्मन नहीं है, ठीक है। कामयाब करने के लिए सिर्फ आपकी हेट, आप जो करते हो ना, वो उससे ज्यादा मुझे चाहने वाले लोग हैं, आपकी नफरत से ज्यादा चाहने वाले लोग हैं, मुझे ये साबित करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब प्लीज सपोर्ट करो, इस वीडियो को बहुत ज्यादा फैलाओ, क्योंकि आज एक हिंदुस्तानी बहन को आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, क्यों? क्योंकि बस हो गया, अब दिखाना है कुछ करके। बहुत जिंदगी जी ली मैंने घुट घुट कर, अब मुझे खुद की जिंदगी को सवारनी है, मेरे बच्चों की जिंदगी सवारनी है। एक एक छोटी छोटी खुशी के लिए हम तरसते हैं, एक एक छोटी छोटी खुशियों के लिए हम तरसते हैं, अब नहीं तरसना है।